आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वैदिक ऊर्जा के अंक ज्योतिष में आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे कि मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है, यानी कि होने वाली घटनाएं या घट चुकी घटनाएं बताई जा सकती हैं। ये अपने आप में एक नया तरीके का रिसर्च है, अनुसंधान है। हम लोग आज 4-5 केसेस की बात करेंगे जो हमारे पास आए हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, और जिनके बारे में हमने काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन सही देने का प्रयास किया है। केस नंबर 1, पहला केस है जो मोबाइल नंबर की डिजिट्स थी जातक की, उसमें 0111356899। ये मोबाइल नंबर की तरह डिजिट्स नहीं लिखी गई हैं, खाली जो जो डिजिट्स हैं वो लिखी गई हैं ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे। इनको प्रेडिक्शन दिया गया ये नंबर देख करके कि जो भी ये जातक हैं उनको विवाह में, वैवाहिक जीवन में पैसे की सेविंग को लेकर के और समस्या है, साथ में इनको मानसिक शांति की भी समस्या है, जो कि नेटो ने कंफर्म किया। करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं, एक और केस लेते हैं। इस मोबाइल नंबर में डिजिट्स थी 00122224569। इस केस में पिटिशन दिया गया कि आपको प्रमोशन और विवाह दोनों का समस्या हो सकती है। जातक ने कन्फर्म किया कि उसको विवाह की और फाइनेंस की, यानी कि पैसे की समस्या है। प्रमोशन तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन फाइनेंस बोला। केस नंबर 3 आज आपके सामने लेकर आते हैं। इन जातक के पास में 2 मोबाइल नंबर थे। पहला नंबर था 00234569 और दूसरा जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे थे वो था 0446688899। इनको पूछा गया कि आपके नंबर बता रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट या सर्जरी हुई है। उन्होंने जवाब दिया, एक्सीडेंट सर्जरी बहुत ज़्यादा क्या बताएं आपको, 27 दिन के बाद मर के जिंदा हुआ हूँ। कोई इनका एक्सीडेंट इस तरीके का हुआ था कि मरते मरते बचे हैं। तो मोबाइल नंबर से बहुत ही कभी कभी सटीक जानकारी हम सबको प्राप्त होती है। अब ये मोबाइल नंबर समस्या भी हो सकते हैं और समाधान भी हो सकते हैं, या आप यूँ कहिए कि जब घटना घटनी होती है तो नंबर भी आपके पास वैसा ही आता है। यही ऊपर वाले का खेल है, यही नक्षत्रों का खेल है, यही ग्रहों का खेल है, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। आप कितने ज्ञानी हो, कितने बड़े 30 मार्का बने, नंबर्स आपके पास वैसे ही आएंगे। केस नंबर 4, जातक के पास में 2 मोबाइल नंबर थे। पहला मोबाइल नंबर है 111334559 और दूसरा जो नंबर था वो था 00001366777। इनको भी प्रेडिक्शन दिया गया कि क्या कोई सर्जरी हुई है। इनसे पूछा गया कि सर्जरी दिख रही है या कोई अपमान दिख रहा है, तो उन्होंने कन्फर्म किया कि कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा एक केस और आपके सामने रखते हैं। ये इसमें जो डिजिट्स थी वो थी 03468899। इनको बताया तो यही गया कि आपके जीवन में क्लेश बहुत है और आपको अगर शादी हो गई है तो समस्या है, शादी नहीं हुई है तो आपको शादी होने में समस्या आएगी। तो उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो मोबाइल नंबर के थ्रू, मोबाइल नंबर के जरिए आपकी इस समय क्या प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक निकल के बाहर आ जाती है। आप लोगों से निवेदन है, कमेंट्स में जाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, 1 या 2, दोनों अगर 2 करें दोनों लिखें। हम कुछ लोगों के बारे में कमेंट्स में ही बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों की समस्या क्या है, लेकिन आपको हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए। वो एक रेमेडी है, रेमेडी फ्री में नहीं दी जाती है। इससे आपको भी दोष लगेगा, हमको भी दोष लगेगा, तो उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9628014335। इस पर व्हाट्सएप करें, हमारे शुल्क, क्योंकि इसमें हमारा समय खर्च होता है, हमारी ऊर्जाएं खर्च होती हैं, बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके एक नंबर के डिजिट्स खाली बताने के लिए, ताकि आपकी समस्या के समाधान में सहायता हो, या कम से कम आपके साथ कोई वो नंबर जो है बाधा उत्पन्न ना करे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसको उस पर जाके कंसल्टेंसी बुक कर लें और कुछ लोगों के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। फटाफट अपने कमेंट्स बॉक्स में
अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपने नंबर लिखें। अगर आपको फ्री में ये जानना है कि मेरी नंबर ठीक है या नहीं है, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आप पब्लिकली नहीं डाल सकते हैं, आपको केवल ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या क्या है, नंबर आपके लकी है अनलकी है। ये बिल्कुल एक अलग तरीके का ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। मोबाइल नंबर सीधे आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है, नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे वीडियोस मार्केट में उपलब्ध हैं जो बता रहे हैं कि आपका लकी नंबर ये आखिरी में 555 हो जाएगा तो अच्छा है, 888 हो जाएगा तो अच्छा है, इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही गूढ़ विज्ञान है, आप लोग बहुत सोच समझ के मोबाइल नंबर लीजिएगा, वरना परेशानी में आ सकते हैं। आप सबका जीवन शुभ हो।